हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी अलग होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिक क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, जिसमें MMRCA डील की बात होती है, जिसमें बात होती है AVACS की, टैंकर्स की। तो जनरली लोग जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स कैसी होगी और अभी उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो खाली एयरफोर्स जानती है और गवर्नमेंट जानती है। हम लोग यहाँ पर चीज़ों को लॉजिकली स्पेकुलेट कर सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सेंस बनाती हैं, उन फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए जो कि डिसीज़न मेकिंग को डराइव करते हैं। तो ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो एक ओपिनियन है बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट्स, जिसको हम क्लियरली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिनका ओपिनियन इससे शायद डिफर करे, और ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो इसी बात पे इसे चालू करते हैं। तो यहाँ पर जिन फैक्टर्स को दिमाग में रखने की ज़रूरत है, उसमें जो पहला है वो है आपकी स्क्वाड्रन शॉर्टेज। तो पाकिस्तान और चाइना को कंटेन करने के लिए टोटल आपको 42 स्क्वाड्रन चाहिए, पर करंट आपकी जो स्क्वाड्रन संख्या है वो करीबन 30 की है, तो अभी आपको एक्स्ट्रा 12 स्क्वाड्रन चाहिए। दूसरा फैक्टर जो है वो है मनी शॉर्टेज। भारत एक बहुत अमीर देश नहीं है, हमारा डिफेंस बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और कोविड के बाद से जो इकोनॉमी है वो भी थोड़ी सी स्लो हो गई है, तो यहाँ पर पैसे की कमी भी है। और जो तीसरा फैक्टर है वो आपका अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अभी MiG-27 को रिटायर किया गया है, उसके बाद MiG-21 भी रिटायर होने ही वाला है, उसका भी टाइम आ रहा है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी अर्जेंट है। बात करें अगर चौथे फैक्टर की, तो वो होगा इंडिजिनस सिस्टम्स को सपोर्ट करने की। तो अभी का जो टाइम चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपको अगर फ्यूचर में एक इंडिजिनस इकोसिस्टम बनाना है तो अभी से ही आपको इंडिजिनस जो सिस्टम्स हैं उनको सपोर्ट करना चालू करना पड़ेगा, और क्योंकि इनकी इनिशियल स्टेजेस हैं तो वो अपनी परफेक्ट कंडीशन में नहीं होंगे, तो वो पूरी तरीके से आपकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और जो आपका पांचवा फैक्टर है वो ये है कि हमें मॉडर्न वॉरफेयर के सिनेरियो को भी दिमाग में रखना है, और चाइना जिस हिसाब से टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहा है उसको भी दिमाग में रखते हुए हमें एक काउंटर प्लान भी तैयार करना है। और एक चीज़ हमें मान के ही चलनी है कि एट अ टाइम इंडिया को टू फ्रंट वॉर फेस करनी पड़ सकती है, तो जो स्ट्रेटजी है वो इन्हीं सब पॉइंट्स पर बेस्ड होकर बननी चाहिए। तो अब इन सब पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। तो पहली बात मैं क्लियरली कहूँगा, जो MMRCA 2.0 कॉम्पिटिशन है वो एक बकवास है, ये एक टाइम वेस्ट है। सेम एयरक्राफ्ट ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि MMRCA 1.0 में थे, बहुत कुछ बदला नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट फालतू किया जा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो रफाल एयरक्राफ्ट है वो MMRCA 1.0 का बेस्ट एयरक्राफ्ट था, और MMRCA 2.0 के लिए भी वही बेस्ट एयरक्राफ्ट है, क्योंकि वो ट्रू सेंस में ओमनी रोल फाइटर है जो कि एक ही बार में मल्टी मिशंस परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। इन जनरल अगर बात करें तो ये एयरक्राफ्ट कैपेबल है अपने खुद के वजन का 1.5 गुना उठाने का, तो ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी मिशंस के जो पेलोड होते हैं उसको एक ही बार में कैरी कर सकता है। तो एक रफाल की होने की वजह से आपको डिफरेंट रोल्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो एंटी शिपिंग का रोल हो, चाहे वो एयर टू ग्राउंड का रोल हो, चाहे वो एयर टू एयर का रोल हो। बाकी अगर मिसलेनियस मिशंस की बात करें तो ये रिकॉग्निशंस मिशन भी परफॉर्म कर सकता है अपने एरियोज पॉड को यूज़ करते हुए। इसकी मेंटेनेंस काफ़ी ईजी है और एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा है। एक मिशन के दौरान इसने लगातार 10 घंटे फ्लाई किया था 6 एयर रिफ्यूलिंग को करते हुए। साथ ही साथ जो इसका इंजन है वो एक Formula 1 कार के पिट स्टॉप की तरह चेंज होता है, 1 घंटे में आप इसका इंजन रिप्लेस कर सकते हो, जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाती है, तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत ही आसान है। बाकी एवियोनिक्स के बारे में हम सब जानते हैं, इसके डिफेंसिव सूट जिसे स्पेक्ट्रा कहते हैं उसके बारे में हम सब जानते हैं, और ये इस सेंचुरी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वॉर प्रूवन है। तो अगर आप एक डिफरेंट कैटेगरी का फाइटर खरीदते हैं, यानी एक ब्रांड न्यू फाइटर खरीदते हैं, तो आपको अपनी एयरफोर्स को उसके लिए तैयार करना पड़ता है, जैसे कि सिमुलेटर्स का सेटअप करना पड़ता है, मेंटेनेंस का सेटअप करना पड़ता है, लॉजिस्टिक्स को सेटअप करना पड़ता है, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप एक एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने के बाद भी कम्प्लीटली ऑपरेशनल 3 साल से पहले नहीं कर सकते,
तो नए प्लेटफॉर्म से बचना चाहिए। अगर आप एक ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म को रखते हैं और वही एयरक्राफ्ट और मंगाते हैं तो जो आपकी क्रू की ट्रेनिंग है वो आपके ऑर्डर देने के बाद ही चालू हो सकती है, क्योंकि आपके पास सेटअप पहले से रखा हुआ है। तो ये आपका जो 3 साल का टाइम है वो बच जाता है, और हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि हमारे पास टाइम कम है। तो एक और फैक्टर जिसकी बात करी गई थी वो था पैसा। तुम्हारे पास पैसा भी कम है, ये भी हम बात कर चुके हैं, और रफाल एक एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है। पर रफाल के साथ जो ये एक्सपेंस है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस है और ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे जो रशियन प्लेटफॉर्म्स हैं वो पड़ते तो सस्ता है पर ऑपरेशनल कॉस्ट उनकी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि उनके मेंटेनेंस शेड्यूल्स बहुत फ्रीक्वेंट हैं, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा क्रूज भी चाहिए होता है और एक्स्ट्रा स्पेयर्स भी चाहिए होते हैं। तो अगर आप एक एयरक्राफ्ट खरीदते हैं तो कम से कम 30 से 40 साल आप उसे यूज़ करने वाले हैं, तो ये पूरे टाइम फ्रेम में महंगा पड़ जाता है। वेरस अगर मेंटेनेंस अच्छी हो तो ये 30 से 40 साल में वो पैसा बराबर हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कॉस्ट वो फैक्टर नहीं है, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आपको ज़रूरत हो आपका एयरक्राफ्ट रेडी हो फ्लाई करने के लिए। ये हालत ना हो कि आपको रिक्वायरमेंट है और आपका एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के लिए हैंगर में खड़ा है। तो यहाँ पर MMRC 2.0 को स्क्रैप कर देना चाहिए और दो और स्क्वाड्रंस लेने चाहिए रफाल के F4 वर्जन्स के, जो कि फ्रांस में 2022 से ही ऑपरेशनल होना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके 36 एयरक्राफ्ट तो हो गए पर रिक्वायरमेंट अभी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें दूसरा फैक्टर दिमाग में रखना है, जो कि है टैकलिंग मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो। तो अगर फ्यूचर की बात करें तो जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जैसे कि आपके S-400 हो गई, HQ-9 जो चाइना के पास है वो हो गई, और जो भी उनकी फ्यूचर में एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो जो सीड मिशंस हैं और डेड मिशंस हैं, यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फ्यूचर वॉरफेयर के लिए। तो वाइल्ड वीजल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि अमेरिका का EA-18G ग्राउलर और चाइना का J-16D इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं फ्यूचर की वॉरफेयर में, जहाँ पर सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है। तो यहाँ पर हमारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, उसको भी पूरा करना है, तो उसके लिए दो स्क्वाड्रंस EA-18G ग्राउलर के इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। एट प्रेजेंट इसे यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स और नेवी ऑपरेट करती है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है। तो इस एयरक्राफ्ट को भी इंडियन एयरफोर्स को दिमाग में रखना चाहिए फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए। तो इसके इंडक्शन वगैरह में टाइम लगेगा, पर कुछ ना होने से कुछ होना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एट प्रेजेंट रफाल में ये कैपेबिलिटी नहीं है, पर यूरोप में MBDA का स्पीयर EW प्रोजेक्ट चल रहा है, तो फ्यूचर में ये चीज़ आ जाएगी, पर अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कुल मिला जुलाकर हमारे 72 जो एयरक्राफ्ट हैं उनका ये हिसाब हो गया। बाकी बचे जो एयरक्राफ्ट हैं उनको पूरा करने के लिए Tejas Mk-1A के और भी ऑर्डर देने की ज़रूरत है। तो करीबन 83 Tejas Mk-1A के ऑर्डर देने थे, जिसमें से आपके 10 ट्रेनर होने वाले थे, लेकिन अगर ताज़ा रिपोर्ट की बात करें तो ये 83 के 83 आपके सिंगल सीटर फाइटर होने वाले हैं। तो इसके दो स्क्वाड्रंस और भी ऑर्डर करने चाहिए, तो यहाँ पर आपके MMRCA 2.0 का हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरे नंबर्स में मिल जाएंगे, चीज़ें भी जल्दी आ जाएंगी, और मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। साथ ही साथ जो आपका इंडिजनाइजेशन के लिए सपोर्ट है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा, और जो इंजन इकोसिस्टम है आपका तेजस में और ग्राउलर में वो भी कॉमन रहेगा। उसके बाद फ्यूचर में जो Tejas Mk-2 लेने हैं, ORCA लेने हैं, वो आगे चलकर MiG-29, Mirage 2000 और Jaguars को रिप्लेस करेंगे। फिर अलग से आपका Su-30 MKI का सुपर सुखोई अपग्रेड तो चलेगा ही, तो ये हमारे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी जब आपके एयरक्राफ्ट के नंबर हैं वो बढ़ेंगे, स्क्वाड्रन संख्या बढ़ेगी, तो आपको टैंकर्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे और AVACS भी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो अगर प्रेजेंट की बात करें तो टोटल हमारे पास अभी 5 AVACS सिस्टम हैं, जिसमें से आपके 3 फैल्कन AVACS हैं और 2 आपके DRDO के AVACS सिस्टम हैं। अभी 3 AVACS सिस्टम और आने हैं, जिसमें आपके 2 फैल्कन हैं और 1 आपका DRDO AVACS है। तो टोटल मिला जुला कर आपके पास 8 AVACS हो जाएंगे,
और उतने ही अवैक्स आपको और चाहिए होंगे। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो DRDO का ही ऑप्शन है, जिसमें वो एयरबस A330 में अपने रडार को लगाकर 360 डिग्री कवरेज वाला एवैक्स बनाने वाले हैं। ये करीबन 6 एयरक्राफ्ट होंगे और ये एज अ एयर रिफ्यूलर भी काम करेंगे। बाकी संख्या को और बढ़ाने के लिए 2019 में एयरबस के C295 स्पार्टा में भी नेत्रा अवैक सिस्टम का अपग्रेड ऑफर किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। बाकी अगर टैंकर्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 6 IL-78 MKI हैं, जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी कम है। तो ये संख्या कम से कम 15 के ऊपर होनी चाहिए। तो इस संख्या को बढ़ाने के लिए एयरबस A330 MRTT को चूज़ किया गया है, और ये चीज़ कैसे आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात है, पर यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द इसका जो समाधान है उसको निकालना चाहिए। बाकी जो आपके ड्रोन्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ानी है। बाकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जहां पर एयरफोर्स को मेल UAVs को भी प्रोक्योर करना है, जहां पर मेल UAVs का मतलब है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो इनके कम से कम आपको 2 स्क्वाड्रंस चाहिए होंगे, और साथ ही साथ आपको 2 स्क्वाड्रंस चाहिए होंगे अटैक ड्रोन्स के, जैसे कि आपके MQ-9 रीपर हो गए। तो कुल मिला जुला कर आप पूरी तरीके से अपना इम्पोर्ट नहीं रोक सकते, पर उसको बैलेंस में लेकर चलना पड़ेगा इंडिजिनियस कंपोनेंट्स के साथ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। इसी बात पे इसे ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। जय हिंद।